आगरा में लेडी डॉक्टर के कत्ल मामले में इंकशाफ हो गया है। डॉक्टर योगिता गौतम का कातिल कोई और नहीं, उसका डॉक्टर दोस्त निकला, जिस पर पुलिस को पहले से ही शक था। जालौन में मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर तैनात मुलजिम डॉक्टर विवेक तिवारी ने कबूल किया है कि उसी ने योगिता का कत्ल किया था। मुलजिम डॉक्टर के मुताबिक योगिता और वो दोनों 7 साल से ताल्लुक में थे और वो योगिता से मिलने जालौन से आगरा आए थे। कार में दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद डॉक्टर विवेक ने योगिता का गला दबाया और फिर चाकू से वार किया और फिर लाश को फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने डॉक्टर योगिता की लाश बमरौली कटारा इलाके से बरामद कर ली है। डॉक्टर योगिता मंगल से ही लापता थी। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। और अब आपको डॉक्टर योगिता की आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। जी सलाम पर आप वो सीसीटीवी देख सकते हैं जिसमें डॉक्टर योगिता आखिरी बार दिखी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर योगिता उस पीजी से बाहर निकलती दिख रही हैं जिसमें वो रहती थी। वो बाहर जाकर एक कार में बैठती हैं जिसकी लाइट्स जल रही हैं। वो कार कत्ल के मुलजिम डॉक्टर विवेक तिवारी की है। इस कार में बैठने के बाद योगिता गायब हो जाती है और फिर पुलिस को उसकी लाश ही बरामद हुई। तो डॉक्टर योगिता के कत्ल से उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर योगिता की वालिदा ने कत्ल के मुलजिम डॉक्टर विवेक तिवारी को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। डॉक्टर योगिता जा चुकी है, पूरा परिवार मातम में है, दुख में है, परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी बेटी के साथ। डॉक्टर योगिता की माँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, दुख की घड़ी ज़रूर है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ जैसा मेरी बेटी के साथ ये घटना घटी है, किसी के साथ ना हो, और मुझे इंसाफ चाहिए कि उसको फांसी की सज़ा हो। डॉक्टर विवेक ने क्या धमकियाँ भी दी थी पहले? उसने धमकी दी थी कि तेरे भाई को मरवा दूंगा, तेरे पापा को मरवा दूंगा, तुम्हारी डिग्री कैंसिल करवा दूंगा, तुझे नहीं पता मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जिस प्रकार से डॉक्टर विवेक का कबूलनामा आया है, उसने ये कहा कि हम लोग 7 साल से संबंध में थे, लगातार झगड़ा हो रहे थे, मैंने हत्या करी है, क्या कहना है इस बारे में? भाई, उसने हत्या की है तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं ये चाहता हूँ कि उसने हम लोग सारे परिवार को पूरी तरह से धमकी दी है। उसने कहा कि मैं कौन हूँ तुम जानते हो, विवेक तिवारी मेरा नाम है, मुझे नहीं जानते हो, और मैं यहाँ से और कुछ कर सकता हूँ? इसने बहुत ही गलत शब्द किए। और परिजन है क्या मांग करते हैं ऐसे हत्यारे के लिए? हम डिमांड ये करते हैं उसकी हत्या की, उस तरह ये उसका प्री प्लान है और उसको जो है जो ऐसे लोग प्री प्लान लोग काम करते हैं उनको सजाए मौत होना चाहिए। ये उनकी माँ थी, उनके परिजन है। आज डॉक्टर योगिता इनके बीच नहीं है, ये गमजदा जरूर है, लेकिन डॉक्टर विवेक के लिए भी कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, जी मीडिया, आगरा।